अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आई एम असलाद अली कंबो योर केमिस्ट्री टीचर स्टूडेंट आज हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स आज इसका पहला लेक्चर है ट्रांजिशन एलिमेंट्स टी ई टी फॉर ट्रांजिशन ई फॉर एलिमेंट मैं टी ई -E से बार बार लिखूंगा लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इट्स डेफिनेशन एलिमेंट्स विच हैव पार्शियली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल्स आयदर इन अटोमिक स्टेट और एनी वन ऑफ दॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट अब इसमें वो एलिमेंट अब सिंपली अगर वो एलिमेंट जो अपनी अटोमिक स्टेट में या कामली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में पार्शली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटर रखते हो हम उन्हें कहते हैं ट्रांसिशन एलिमेंट दिस वन इज द डेफिनेशन दिस वन इज द डेफिनेशन में इसमें ना कुछ नकार जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा पहली बात ये जो टर्म हमने बोली है ना पार्शली पार्शली फील्ड डी और एफ ऑर्बिटल ये क्या है यानी पार्शली पार्शली फील्ड फील्ड डी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल मैं ना पहले नुकता आपको तो समझाऊंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा पार्शी फिल्ड हम किसे कहते हैं पार्शली का वैसे तो मानी होता है ना जुजवी पारसी का मतलब ना किसी हद हाँ तक किसी हद हाँ तक एम्पटी खाली कंप्लीटली मुकम्मल तौर भरा भरा हुआ पार्शली किसी हद हाँ तक लेट्स सी, मैं ना डी ऑर्बिटल्स की बात करता हूं डी ऑर्बिटल्स मेरे पास ये डी ऑर्बिटल्स है स्टूडेंट्स डी ऑर्बिटल्स पांच है हमारे पास हमारे पास है डी एक्स वाई डी वाई जी डी जेड एक्स डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर एंड डी जी स्केयर आज मैंने ये बार बार लिखना ये पांच है आपको पता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है कि एक ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल ये ये मैंने इस तरह ना जब लिखता हूं ना तो मैं इसको ऑर्बिटल कहता हूं ऑर्बिटल आपको पता है ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन

हाफ़ लेकिन फिर और पार्शली सिक्स पार्शली सेवन पार्शली एट इलेक्ट्रॉन पार्शली नाइन इलेक्ट्रॉन पार्शली मैं डी में कितने इलेक्ट्रॉन लाया मैं डी में वन से वन से नाइन तक इलेक्ट्रॉन लाया और जब डी में एक से नौ तक इलेक्ट्रॉन आते गए तो मैं लफ्ज़ पार्शली ही बोलता गया इसका मतलब है अगर डी ऑर्बिटल में एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ तक इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम इसे कहेंगे पार्शली पार्शली फील्ड फील्ड ऑर्बिटल्स और यही हमारी तमन्ना है यही हमारी आरजू है और अगर डी में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए स्टेबलाइज हो जाए अब ये आपके पास बन गया ये बन गया जी डी टेन दिस इज कॉल्ड कंप्लीटली कंप्लीटली फील्ड तो मैंने ना फिलहाल मौका की मुनासबत से मौका की जरूरत से उसके मुताबिक मैंने तीन बातें डीलॉट एम्पटी अगर डी में एक से नौ तक इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम उसे कहेंगे पार्शली और अगर डी में दस इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम उसे कहेंगे कंप्लीटली मेरा बतमा जो है जो मैं जानना चाहता हूं वो ये है तो पार्शी फील्ड डी ऑर्मिटल से मुराद क्या है कि जब D में एक से नौ तक इलेक्ट्रॉन अब सिमिलरली पारसी फील्ड F और बीटल से क्या बुरा था। एफ में, एफ आपको पता है कि F अगर D में पांच और बिटल है तो F में सेवन और से। इसका मतलब है अगर हर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन आए तो F के सेवन और बिटल में टोटल फोर्टीन इलेक्ट्रॉन आएंगे अब इसका मतलब हुआ अगर मैं लिखूं अब मुझे बताना है आपने अगर मैं लिखूं एफ नॉट इसका क्या मतलब है इसका मतलब है एफ के वो एमपटी ऑर्बिटल और अगर मैं लिखू एन इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब है कि F F के सारे के सारे सारे तो क्या होगा? जिसमें में, F में 1 से लेकर कहां तक होगा थर्टीन तक तो दैट इज एक तो बात ये आ गई कि ऑर्बिटल से क्या हो रहा था जब हम इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करने पर उनका जो डी ऑर्बिटल है उसमें एक से नौ तक इलेक्ट्रॉन हो अगर यो एफ ऑर्बिटल रखते हैं तो उसमें वन टू तो थर्टीन इलेक्ट्रॉन अगर हो तो हम कहेंगे उनके डी और एफ ऑर्बिटल पार्शी फील्ड है और ऐसे एलिमेंट्स को हम कहेंगे दे आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक और भी लफद है और वो है अटोमिक स्टेट ये अटोमिक स्टेट क्या है अटोमिक स्टेट स्टूडेंट अटोमिक स्टेट को अटोमिक स्टेट को मैं एक और भी नाम देता हूं मैं इसे एलिमेंटल स्टेट भी कहता हूं एलिमेंटल स्टेट मे, मेरे कहने का मतलब है जब आप किसी भी एलिमेंट की सिंबल लिखते हैं आप लिखते जेड एन आप लिखते सी यू आप लिखते एम एन आप लिखते हैं एस सी आपने क्या लिखा ये आपने इनके सिंबल लिखे जब किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखा जाता है ना हम उसे कहते हैं दैट इज द स्टेट स्टेट मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जब भी किसी एलिमेंट का सिंबल लिखा जाता है वो दो बातें बताता है वो उसके एटम को रिप्रेजेंट करता है वो उसको बतौर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है तो ये इसकी अटोमिक स्टेट आ गई

ये हमेशा Zn एन में एक्सिस्ट करता है कॉपर Cu+1 भी होता है प्लस टू भी होता है अगर आप मैगनीस को देखो इसकी कामली जो स्टेबल है, वो टू प्लस, भी है, प्लस है। वैसे तो वैसे तो इसकी ना प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर सारी है अब आयरन को देख लो आयरन आपको प्लस टू में भी मिलेगा आपको प्लस थ्री में भी मिलेगा मर्करी को देख लो ये वन प्लस में टू प्लस में मिलता है आप ए यू का देख लो ये वन प्लस में भी होता है थ्री प्लस में भी होता है ये इनकी कॉमनली अक्रिंग ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अगर कोई एलिमेंट अपनी अटोमिक स्टेट में एलिमेंटल स्टेट में या किसी कॉमनली अक्रिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाए और उसके डी ऑर्बिटल या एफ ऑर्बिटल पार्शियल फील्ड हो हम उस एलिमेंट को कहते हैं ट्रांसिशन एलिमेंट टीई कहते हैं ट्रांसिशन एलिमेंट कहते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं य दे आर कार्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाई 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 ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कार्ड सो हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं बेटा जी लफर्ज ट्रांजिशन आपको समझना पड़ेगा ट्रांजिशन 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 का मैं तो मान ही लेता हूं इन बिटवीन इन बिटवीन के दरमियान के दरमियान के दरमियान दो चीजों के दरमियान ट्रांसिक मेरे पास ना ये एक मैंने स्केच लिया हुआ है पीरियोडिक टेबल का आप जानते हैं इस साइड पे फर्स्ट और सेकंड एयर ग्रुप दे आर कार्ड एस ब्लॉक एंड दे आर हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाईली हाईली इलेक्ट्रो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव

ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये जो है यहां पे इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम कहते हैं दे आर डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट और ये वाले जो है इनको हम कहते हैं दे आर एफ ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स अब ये जो डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनको हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं और ये जो एफ ब्लॉक वाले हैं इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं अब ना ये जो जिस तरह हमने इसको फर्स्ट ए सेकंड ए कहा ना इनको थर्ड ए से एट ए तक अरेंज किया बिल्कुल इसी तरह ये जो हमारे पास है आउटर बी थर्ड थर्ड से लेकर ये यहां पे आएगा और एट्थ बी के बाद यहां पे फर्स्ट बी जाएगा और फिर यहां पे सेकंड बी जाएगा ये जो मैं फर्स्ट बी सेकंड बी थर्ड बी वगैरह लिख रहा हूं ना ये वो ही पीरियोडिक टेबल है जो हमारी बुक्स में है अगर आप लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल की बात करें तो फिर तो ये पीरियड नंबर ग्रुप नंबर वन है ये है इसको हम थ्री कहेंगे और थ्री से लेकर यहां तक ये ट्वेल्व आ जाते हैं ये थ्री से लेकर यहां तक ये थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन थे थर्टीन और थर्टीन से लेकर यहां तक ये हमारे पास क्या आ गए एटी अब ना यहां पर यह जो थर्ड बी है ये जो थर्ड बी है जिसको मैंने ग्रुप थ्री भी कहा इन्हीं में से इनको यहां निकाला गया है। इनको ये जो एफ ब्लॉक इसकी ये जो पहली लाइन आपके पास आती है एलिमेंट्स हम इन्हें कहते हैं लेंथेनाइड्स और यहां पे लेंथेनम है लेंथेनम तो ये लेंथेनाइड लेंथेनम के बाद आ रहे और यहां पे एक्टीनियम है उसके बाद वाले इनको हम कहते हैं एक्टीनाइड्स अब ये याद रखना है कि लेंथेनम लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड्स का नाम लेंथेनम से आया बट लेंथेनम इज नॉट इंक्ल्यूड इन लेंथेनाइड्स. सिमिलरली एक्टिनाइड्स का नाम एक्टिनियम से आया लेकिन एक्टिनियम इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्टिनाइड्स. हमारा ना हमारा टारगेट ये है तो वाई दे आर कॉल द ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दे आर लोकेशन एंड देर प्रॉपर्टीज मैं दो बातों की तरफ इशारा कर रहा हूं इनकी लोकेशन इनकी पोजिशन वो इन दो के दरमियान है और मैं प्रॉपर्टीज की भी बात करता हूं दे आर प्रॉपर्टीज आर इन बिटवीन हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एस ब्लॉक एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पी ब्लॉक इनके दरमियान स्टूडेंट मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स को और बढ़ाता हूं ट्रांजिशन एलिमेंट्स मैं इसको ना टी ई से रिप्रेजेंट करूंगा मैं दो दो हिस्सों में इनको क्लासीफाई करता हूं एक मेरे पास है डी ब्लॉक एक मेरे पास है एफ ब्लॉक डी ब्लॉक में ना अब तक मैं ये रफली कह रहा हूं मैं मैं रफली कह रहा हूं ये इसमें थर्टी सेवन एलिमेंट्स है थर्टी सेवन और इसमें फोर्टीन प्लस फोर्टीन ट्वेंटी एट इसमें है और अगर आप इनको ऐड कर लेंगे तो ये सिक्सटी फाइव के करीब आपके पास ये सिक्सटी फाइव एलिमेंट जो है ना अब ना मैं अभी वो वाला पीरियोडिक टेबल जिसमें 118 सौ अट्ठारह या एक सौ हो चुके हैं मैं उनका नहीं जिक्र मैं उसके मुताबिक ये वैल्यूज नहीं दिख रहा आपको ना इन नंबरिंग से इतनी फिलहाल गर्ज नहीं है आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स दो किस्म के हैं मैं ना इन दोनों के बारे में सीधा सीधा पॉइंट आपके साथ, साथ शेयर करना सर पहले पहली बात बड़ी बड़ी क्रिटिकल है ये जो तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना इनको कहते हैं ट्रांजिशन ट्रांजिशन मेटल्स मेटल्स ब, ब, बड़ी खूबसूरत बात है डी एलिमेंट्स एलिमेंट का ट्रांजिशन मेटल्स डीजर कार्ड रेयर रेयर अर्थ अर्थ मेटल्स हम इनको रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं। एक और पॉइंट ये जो तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना इनको अभी मैंने आपको लिख के भी दिया दीज आर आउटर आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड आर कार्ड इनर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एक बहुत बहुत अहम नुकता मैं समझाने की कोशिश करता हूं उम्मीद है मैं समझा पाऊंगा सुनना स्टूडेंट ये वाला जो शेल है ना ये सबसे बाहर है ये मैंने ये किया है। ये सबसे बाहर वाला शेल। इसके कई नाम है इसके कई नाम है हम इसे कहते हैं वेलेंस शेल वेलेंस शेल हम इसे कहते हैं हम इसे कहते हैं आउटर मोस्ट शैल एक और बात हम इसे कहते हैं अल्टीमेट शैल आज आज मैंने इसको बोलना है अल्टीमेट शैल ये तीन नाम बोलती है वेलन शैल बाहर वाला आउटर मोस्ट अल्टीमेट शैल अच्छा इसके अंदर ये वाला जो शैल है इसे कहते हैं पेनल्टीमेट पेनल्टीमेट शैल पेनल्टीमेट यानी सबसे बाहर वाले से अंदर वाला आ, अगर आप इस अल्टीमेट शेल को ऑट्रोमो शेल को आप सपोज एन कहते हैं एन तो ये उससे अंदर आएगा इसे हम कहेंगे एन माइनस वन सपोज सपोज ये ये फोर्थ शेल है एन मीन फोर तो फिर ये थर्ड को कहेंगे फोर माइनस वन दैट इज कल टू थर्ड अच्छा उसके बाद एक और अंदर ये शेल है ये वाला जो पेनल्टी मेड इसे कहते हैं एंटी ई ए, एंटी ए, पेनल्टी, पेनल्टी मेड इसको हम एंटी पेनल्टी मेड शैल कहते हैं अच्छा तो ये तो फिर हो जाएगा ना एन माइनस टू हम इसे कहेंगे ये जो मैंने आपको बात है तीन, तीन टर्मिनोलॉजी आपको दी ना इसको अब्सॉर्ब करो एक और लफज एक और लफज ये इलेक्ट्रॉन जो है ना इसे हम कहते हैं वेलेंस इलेक्ट्रॉन वेलेंस वेलेंस इलेक्ट्रॉन आज मैं ना एक और भी लफ्ज यूज करने जा रहा हूं भीटिंग इलेक्ट्रॉन का लफ्ज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन के मुकाबले वो इलेक्ट्रॉन जो हमें बताएगा कि एटम ये एलिमेंट किस ब्लॉक से तलक रखता है डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन तो डिफ्रेंशिएटिंग डिफ्रेंशी शियटिंग इलेक्ट्रॉन आई मीन वेलस इलेक्ट्रॉन तो डी ब्लॉक में जो डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है दैट लाइज लाइज इन ये अल्टीमेट शैल सबसे बाहर सॉरी एंटी पेनल्टीमेट आई एम सॉरी इसमें जो डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो पेनल्टीमेटल में मैं अभी आपको बताता हूं लाइज इन पेनल्टी पेनल्टी मतलब मतलब देखो अभी जब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना तो मैं कहूंगा मैं कहूंगा जब इनकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो मैं कहूंगा जी फोर एस फोर डी और थ्री एस या सॉरी मैं लिखूंगा थ्री डी एंड फोर एस एम सॉरी थ्री डी फोर एस अब फोर एस ये वाला हो गया अब थ्री फोर से कम है थ्री से मतलब फोर माइनस वन थ्री थ्री का मतलब क्या हुआ पेनल्टीमेट शेल मतलब मैं मैं कहना कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना ये चाहता हूं कि जो ना इन में जो डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है जैसे यू में से इलेक्ट्रॉन वो पेनल्टीमेट शेल में एन माइनस वन यानी डी में लाई करता है अब इधर आ जाओ आप इसकी बात करेंगे कि इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पेनल्टी या डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन दैट लाइज इन एंटी पेनल्टी मेट एंटी पेनल्टी मेट इसमें एंटी पेनल्टी एंटी टी पेनल्टी मेट शैल उस में शेल कह लो या ऑर्बिटल ऑर्बिटल अच्छा एंटी पेनल्टी पेनल्टी ऑर्बिटल में लाई करता है ऑर्बिटल में अच्छा मस, मैं, मैं कहना मैं कहूंगा जी इसमें जो है वो एन माइनस टू एफि एन माइनस टू ये जो मैं पॉइंट आपको समझा रहा हूं ना इसको दोबारा अपना रिव्यू करके इसको दोबारा समझने की जरूर कोशिश करना कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं इसमें पहली बात आपने जेन में रखनी है कि ये मैंने तीन शेल्स का जिक्र किया मैं शेल के लफजे मैं यूज कर रहा हूं अल्टीमेट शेल आप शेल के बजाय ऑर्बिटल ज्यादा क्लोज हो जाओ ना ज्यादा करीब आ जाओ ऑर्बिटल कह कह लो कह लो अल्टीमेट ऑर्बिटल या अल्टीमेट अल्टीमेट ऑर्बिटल कह लो और इसमें आपके पास दूसरा क्या है पेनल्टीमेट अल्टीमेट सबसे बाहर वाले में जो है और पेनल्टीमेट उससे इनर जो है वो जो ऑर्बिटल और एंटी पेनल्टीमेट उससे अंदर आ जाओ और फिर मैंने एन एन माइनस वन और एन माइनस टू से इन तीनों टर्म्स को एन अल्टीमेट अल्टीमेट ऑर्बिटल या अल्टीमेट सबशेल एन माइनस वन पेनल्टीमेट ऑर्बिटल या पेनल्टी मेट सब सब और इधर भी आपने बात क्या करनीस टू मीन एंटी मेट मेट या uh, या एंटी पेनल्टीमेटिटी अब डी ब्लॉक में आपने क्या कहना है आपने है जो valence, जो कहनाटिंग इलेक्ट्रॉन है जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किसमें पाया जाता है इसके केस में वो दैट लाइज इन द देनल्टी मेट डी ऑर्बिटल्स और इन केस ऑफ एफ ऑर्बिटल द डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन लाइज द एफ ऑर्बिटल्स एक और बहुत खास बात और वो है कि इनकी इनकी जनरल 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 आउटर मोस्ट शल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन पहले पहले इनकी डी ब्लॉक की और फिर यही बात हमारे बोला स्टूडेंट्स अगर आप डी ब्लॉक को देखो तो वेरी सिंपल एन माइनस वन एन माइनस वन डी और डी में एक से दस तक इलेक्ट्रॉन होते हैं और साथ एन एस इसमें एक या दो होंगे ये आपको आने चाहिए केस ऑफ एफ ऑर्बिट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तो आप क्या कहोगे आप कहोगे जी आपके पास इस केस में इसमें एफ आपके पास है जी एन माइनस टू एफ और एफ में एक से फोर्टीन तक और अगली बड़ी इंटरेस्टिंग बात है माइनस वन वो आपके पास डी आएगा और डी में जीरो या टू होंगे और उसके बाद आपके पास एन एस इसमें टू आ जाएंगे ये दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आखिरी बात आखिरी बात वो आपने याद करनी है रट्टा लगाना है देखना है और वो क्या ये जो डी ब्लॉक हमने पढ़ा है ना ये आगे फिर चार सीरीज में डिवाइड है चार सीरीज उन चार सीरीज को अगर मैं देखूंगा ना तो उन चार सीरीज में मेरे पास पहले थ्री डी सीरीज है थ्री डी सीरीज उसके बाद मेरे पास फोर डी सीरीज है मेरे पास फाइव डी सीरीज है और मेरे पास सिक्स डी सीरीज है ये एक दो तीन चार चार सीरीज है वन टू थ्री एंड फोर और आपके पास जो एफ ब्लॉक है इसमें दो सीरीज है एक हम कहते हैं फोर फोर एफ सीरीज में यहां पे फोर एफ सीरीज और एक को स्टूडेंट में कहूंगा फाइव एफ सीरीज सीरीज ये फोर एफ सीरीज और फाइव एफ सीरीज अब ना ये जो थ्री डी सीरीज है ये शुरू होती है स्कैंडियम से मैं मैं जरा याद रखने का तरीका आपको पता स्काई स्काई ला और स्काइल और और इधर जिंक कैडमियम मरकरी और ये तो फिर ऑनवर्ड आगे जाती काफी ही आगे बढ़ेगी अब मैं क्या कहूंगा कि थ्री डी सीरीज स्कैंडियम से शुरू हुई जिंक तक गई इसमें टोटल दस ये येट्रियम से शुरू हुई कैडमियम तक गई इसमें दस एलिमेंट है लेंथनम से शुरू हुई मरकरी तक गई टेन एलिमेंट्स और ये इनकम्प्लीट है मैं मैं वैसे लिख लेता हूं सेवन क्योंकि मैंने टेन ट्वेंटी थर्टी और भी पूरे करते हैं अब इनके ना अटोम तो आ जाए तो वेल एंड गुड्स वेल एंड गुड बहुत अच्छा है इसका अटोमिक नंबर आप जानते हैं कि ट्वेंटी वन है अब ट्वेंटी में ना 21 में अगर आप एटीन एड करेंगे तो ये थर्टी हो जाएगा तो इसका थर्टी है ये 39 ये फिफ्टी है ये एटी नाइन अब ये तो आपको याद रखने पड़ते हैं ना और इस तरह इसका 30 है 30 30 में 18 12 48 हो जाएगा और इसका 80 है ये मैं आपको एटॉमिक नंबर बता रहा हूं आप इसी तरह जाइए 4f सीरीज ये ये आपको ना पता होना चाहिए खास ये जो है ना ये वाला ये जो स्कैंडियम ये ये थर्ड बी से तल्लक رکھتے ہیں تھرڈ بی اور یہ سیکنڈ بی سے تعلق رکھتے ہیں یعنی ہر ये थर्ड बी से शुरू होती है सेकंड बी पे एंड होती है ये एक तरतीब ये आपके जेन में स्केच होना चाहिए स्केच जैसे ये मैंने बनाया ना ये पूरे का पूरा स्केच आपके जेन में होना चाहिए यहां से ये स्काइला है, स्काइला है स्काइला और एक्टिनियम आ गया और यहां पर यह खत्म हो रही है यहां पर वो जिंक कैडमियम मरकरी वगैरह अच्छा अब फोर एफ सीरीज ये सीरियम से शुरू हुई और ल्यूटेशियम तक और ये थोरियम से शुरू होती है लॉरेन्सियम तक एलडब्ल्यू अब याद रखना ये जो 4f सीरीज है ना 4f सीरीज के एलिमेंट्स को हम कहते हैं लेंटेनाइड्स लेंटेनाइड्स और इनको हम क्या कहते हैं इनको हम एक्टिनाइड्स कहते हैं और याद रखना ये जो 14 14 ये 14 14 नहीं ये एलिमेंट्स 14 और 14 ये टोटल 28 हो गए ये सारे के सारे थर्ड बी ग्रुप से तल्लक रखते थर्ड बी ग्रुप से ये तलक रखते तो ये तो मुख्तलि ग्रुप से सबसे लार्जेस्ट स्टूडेंट ये, ये मैंने आपको ना एक आइडिया दिया कुछ बातें बताई वो बातें जो आपको आनी चाहिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अब उसकी तरफ आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं लेकिन मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D सीरीज इसकी समझाऊंगा मैं मैं टारगेट कर रहा हूं 3D series. 3D सीरीज सीरीज अच्छा आ, पहला काम ये ना आपके जो एग्जाम है जो एंटी टेस्ट है उसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला जो कॉलम है बहुत इंपॉर्टेंट है इससे रिलेविड आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा बल्कि पीएमसी की जो आउटलाइन उस पर वाजे तौर पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिकेशन ऑफ ट्रांसिशन इशारा करता जाऊंगा सारी बातें आपके राइटअप में आनी चाहिए स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री डी सीरीज जो स्कैंडियम से शुरू हुई जिंक तक हमें इसके एलिमेंट्स के नाम याद हैं उसका तरीका एक देख लो तरीका देखो तरीका यह है ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਕੋਨੀ ਕਜ਼ਨ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਕੋਨੀ ਕਜ਼ਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰ ਲਿਖਤਾ ਹਾਂ ਸਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਕਰ मैनू एम एन मैगनीज शक्ति वी कर मैनू फीकोनी फी को नी एंड यू हैव कजन सी यू जेड एन कजन अब इसको देख लो स्कैंडियम टाइटेनियम वनेडियम, क्रोमियम मैगनीज आयरन कुबार निकल कॉपर जिंक शक्ति शक्ति वी कर मैनू फीकोनिक अच्छा एक तो आ गया अब आपको आप कहीं नंबर भी आना चाहिए दूसरी बात इसका अटॉमिक नंबर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी मैं बार बार लिखूंगा मैं बार बार लिखूंगा ताकि आपको याद करवा सकूं ताकि आपको समझा सकू थ्री डी सीरीज याद रखने का तरीका थ्री डी सीरीज के एटम अटोमिक स्टेट और उनके आइंस उनके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन को जानना एक और भी पॉइंट है आपको पता होना चाहिए कि ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, हैं, ये दस के दस एलिमेंट किस ग्रुप से तलक रखते ग्रुप का पता होना चाहिए ये यहां से शुरू करो मैं, मैं दोबारा लिखूंगा ये आपके पास है वी अच्छा वेडियम और ग्रुप नंबर पांच को हम वी से लिखते ना शक्ति वी कर मैनू मैनू फी को नी मैं मैं दोबारा इसको लिखूंगा ये तीनों ना ये तीनों एक ही जगह पे काम है फी को नी फी को नी इन तीनों का ना अटोमिक रेडियस तकरीबन सेम है तकरीबन क्या है इसे तीनों का अटोमिक रेडियस सेम है ये जेन में रखना है और कजन सी यू जेड एल सी यू जेड ये आपके पास है अच्छा सिर्फ आपने ना ये नहीं है कि इसमें स्कैंडियम है बाकी कौन कौन से स्कैंडियम स्काइला स्कैंडियम येटनम लैंथेनम इनके बाकी एलिमेंट्स वो भी आपको आने चाहिए पहली बात आपसे हमसे क्यों पूछा जा सकता है कि मैगनीज बिलोंग टू तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप दी तो इन में से किसी का ग्रुप पूछा जा सकता है ना सिर्फ इनका बल्कि अच्छा एक और भी बात है एक तो मैं आपको एक और भी चीज आप, आप से बात करता हूं ग्रुप थ्री फोर फाइव सिक्स वो भी आपको आने चाहिए अब आओ असल काम तरफ। इनको मैंने ना यह आपके सामने लिख दिया

फोर एस थ्री डी यहां तक आ जाओ स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल आगे वो आ जाता अच्छा अब जरा ना यू हैव टू कॉमेट ट्वेंटी टू फोर टू टू फोर सिक्स टेन ट्वेल्व और एटीन ये यहां तक आओ स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट

एर लिखने का मतलब है आउट ऑफ ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो गए एंड नाउ यू हैव टू अकमोडेट यू हैव टू अकोमोडेट थ्री इलेक्ट्रॉन और वो ये ये आपके पास ये आपके फोर एस है ये सारा फोर एस है और ये आपके पास थ्री डी है थ्री डी में ये आपके पास थ्री डी में थ्री डी है थ्री डी ये डी ये थ्री डी एक्स वाई थ्री डी वाई जी थ्री डी जेड एक्स थ्री डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केर थ्री डी जेड स्केयर डी के पांच और मैंने यहां पे अकोमोडेट कर दिए आपने 18 इलेक्ट्रॉन यहां पे हो गए अब कितने रह गए तीन उन तीन में से दो यहां लाओ दो यहां लाओ एक गया वो यहां पे आएगा अब एक बात ना वो मुझे बहुत जरूरी है वो वो मैंने बार बार करनी वो बोला क्या वो ये है कि ये जो एस है फोर एस और थ्री डी फोर एस अब फोर एस में दो इलेक्ट्रॉन आ गए थ्री डी में वन आ गया फोर एस और थ्री डी इनका एनर्जी डिफरेंस कोई ज्यादा नहीं है तकरीबन से तकरीबन सेम एनर्जी पे है हालांकि ये चौथे ऑर्बिट से तलक रखता है ये थर्ड ऑर्बिट से लेकिन ये इतना एक्सपेंड होता है कि ये इसके बिल्कुल करीब पहुंच जाता है इसका मतलब है 4s और 3d इन ऑर्बिटल्स में एनर्जी गैप ज्यादा नहीं है इनमें जो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सलाइट एनर्जी से सलाइट हीट करने से वो आसानी यानी एनर्जी प्रोवाइड करने से हो जाती अब ये तो हो गया स्कैंडियम का लेकिन याद रख रहे मेरी बात वो अभी मुझे काम देनी ये मैंने जो लिखा ना दिस इज द एटॉमिक स्टेट ऑफ स्कैंडियम और एटॉमिक स्टेट में ये एटॉमिक स्टेट है अटोमिक्स अटोमिक स्टेट में स्कैंडियम के डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वी विल से वी विल से इट हैज पार्शियल डी ऑर्बिटल। अटोमिक स्टेट लेकिन स्कैंडियम पता है ज्यादातर किस स्टेट में पाया जाता है ये एस सी थ्री प्लस ट्राई पॉजिटिव स्टेट में एग्जिस्ट करता है अटोमिक स्टेट में तो इसके पास डी में एक इलेक्ट्रॉन है अब देखते हैं कि जब ये ट्राई पॉजिटिव स्टेट में आता है तो फिर क्या इसका डी पार्शिड है कि नहीं स्टूडेंट अब याद रखना ट्राई पॉजिटिव का मतलब है कि आप एटम से तीन अब मेरा एक दुख्ता आपने एंड तक याद रखना है जब आपने इलेक्ट्रॉन निकालने है ना तो सबसे पहले फोर एस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है ये थ्री डी सीरीज की मैं बात कर रहा हूं थ्री डी सीरीज में जब मैं आपसे कहूं कि आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालकर इसके कैटाइन बनाओ तो फिर आपने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फोर एस से इलेक्ट्रॉन निकाल थ्री प्लस यू हैव टू रिमूव थ्री इलेक्ट्रॉन कहां से निकालो दो निकाल दो फोर एस से एक बचा वो यहां से निकालो इसका मतलब है अब इसके डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं इसका मतलब क्या हुआ स्कैंडियम एटॉमिक स्टेट में तो पार्शी डी ऑर्बिटर रखता है लेकिन कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसमें इसका डी ऑर्बिटल एम्प्टी होता है वहां पे जाकर ये ये ट्रांसिशन एलिमेंट की बेसिक डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता अब आ जाओ टाइटेनियम 24 इलेक्ट्रॉन 18 यहां अकोमोडेट हो गए बाकी 4 4 में से दो आप यहां पे देंगे दो और बाकी दो रह गए एक इधर आ जाएगा एक इधर आ जाएगा तो मैं इसके केस में क्या कहूंगा इसके डी में कितने हैं टू

फिर एक इलेक्ट्रॉन आप इन दोनों में से ये निकाल दो तो इसका मतलब है जब ये होता है तो इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन इसका मतलब क्या हुआ कि टाइटेनियम स्टेट में भी पार्शी फिल्ड रखता है और मोस्ट कॉमनली ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पारसी फील्ड पारसी फील्ड में दोबारा कह रहा हूं अगर डी में एक से लेकर नौ तक इलेक्ट्रॉन आए हम उसे कहेंगे पारसी फील्ड अगली बात वेरिडियम पे आ जाओ अटोमिक नंबर ट्वेंटी थ्री अठारह 18 के बाद आपके पास पांच इलेक्ट्रॉन और अकोमोडेट करो आपके पास दो यहां पे आ गए बाकी कितने तीन एक दो तीन तो तो इसके पास तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन है अनपेड है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन अब जरा पहले, बा, पहले मेरी बात को समझना पहले मेरी बात को समझना ट्वेंटी फोर में से एटीन इधर आ गए अब यू हैव सिक्स इलेक्ट्रॉन हाउ डू हाउडोकामोडो दो सिक्स इलेक्ट्रॉन अब ना सिक्स में से दो इधर आ गए पहले तो मैं नॉर्मल जो मैं कर रहा हूं अब रह गए चार वन टू थ्री फोर ये अब इसको अगर आप देखोगे तो भला क्या बना फोर थ्री डी थ्री डी फोर एंड फोर एस टू थ्री थ्री डी ना वन टू थ्री फोर इसमें फोर आ गए और एस में दो आ गए ये तो मैंने कहा लेकिन क्या आप क्रोमियम से पूछो क्या तुम्हें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कबूल है वो कहेगा नो कतन नहीं हम कह क्यों वो कहता है अगर अगर ये इलेक्ट्रॉन फोर एस वाला यहां आ जाए अब मेरे डी में पांच हो जाएंगे अब ये हो जाएगा थ्री डी फाइव और फोर में अब फोर एस में एक रह गया वो कहता है ये कबूल नहीं ये कबूल हम कहते इसमें फायदा क्या है याद रखना याद रखना स्टूडेंट जब डी में पांच इलेक्ट्रॉन हो डी में दस इलेक्ट्रॉन हो अगर डी में पांच इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसे कहते हैं हाफ फील्ड और अगर डी में दस इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसे कहते हैं कंप्लीटली फील्ड ये हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आती है तो दैट इज अ दैट इज यस दैट इज अ साइन ऑफ स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी आ जाती है तो इसका मतलब है इन ऑर्डर टू गेन द स्टेबिलिटी इन ऑर्डर टू गेन द स्टेबिलिटी अब क्रोमियम क्या करता है क्रोमियम ये करता है कि वो अपने फोर एस से एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर देता है और यू वो रूटीन में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो बाप प्रिंसिपल है उसको वॉयलेट कर जाता है रूल को करता है अबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस इज द अबनॉर्मल विच इज अगेंस्ट द रूल्स लेकिन इन ऑर्डर टू गेन द स्टेबिलिटी क्रोमियम क्रोमियम डिनाई द क्रोमियम वायोलेट द रेगुलर क्रेंड

टू थ्री फोर फाइव सिक्स अगर मैं कि मैगानीज इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है यानी डी में कितने डी में, में पांच है और पांचों के पांचों के अनपेड है अब आयरन में देखो आयरन में डी में है तो डी में है तो सिक्स लेकिन उसमें अनपेड फोर है अनपेड अब यहाँ पे अनपेड मैक्सिमम अब कम होते जा रहे हैं इसमें आपके पास ये दो इसमें आ गए सेवन है गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब इसमें डी में आ तो सेवन गए लेकिन अगर मैं 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 अनपेड की बात कर रहा हूं मैं यहां ब्रैकेट में अनपेड मुझे अनपेड चाहिए मुझे अनपेड चाहिए उसके बगैर मेरी डिस्कशन ही मुकम्मल नहीं होगी इसके डी में कितने अनपेड फाइव इसके डी में भी फाइव है इसके डी में फोर इसके डी में थ्री अनपेड अनपेड अब आज निकल में ये निकल में आपके पास टू ये हो गया and now you have to come about it the 88 1 2 3 4 5 6 7 8 total 8 electron and unpaid you have the 2 again we have another very very important just like the chromium another very important electronic configuration deko zara me paranormal normal, baat karu, aam baat aam mein jab baat na, student copper me कॉपर में जब मैं आम बात करूंगा तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन यहां आ गए दो इलेक्ट्रॉन यहां आ गए एटीन तो इसमें अकामोडेट हो गया ना तो ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन में से एटीन माइनस करें तो अब आप, आ, आपके पास जो है ना बाकी अलेवन इलेक्ट्रॉन रह गए, अलेवन में से दो यहां पे आ गए अब दस रह गए नौ गए बाकी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अब अगर आप इसको देखोगे ना तो आपके पास क्या बना आपके पास बना जी थ्री डी थ्री डी नाइन फोर एस टू कॉपर से पूछो क्या इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेप्ट करोगे वो कहेगा नो नेवर क्या मसला क्या है वो कहते हैं अगर अगर ये फोर एस वाला इलेक्ट्रॉन यहां की बजाय यहां आ जाए ना तो अब मेरे पास ये बन जाएगा थ्री डी टेन और फोर में अब दो की बजाय कितने लगाएगा इससे क्या फायदा होगा भाई कापर तुम्हें क्या फायदा होगा वो कहेगा डी में दस इलेक्ट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाईली स्टेबल होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि एन प्लस एल रूल और अफबा प्रिंसिपल उसकी ऐसी की तैसी हो गई अब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लेकर ये अपने आप को स्टेबलाइज कर गया इसका मतलब है कि ये है मैं एक और आपसे बात करना चाहता हूं आप कापर को सी यू ले लो कापर को सी यू प्लस वन ले लो कापर को सी यू प्लस टू ले लो वन प्लस, वा, प्लस, प्लस अब जरा बात को सुनना हमने कहा ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो हैं जिनकी अटोमिक स्टेट में दिस इज द दटोमिक स्टेट ऑफ कापर या कामली अक्रिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका डी ऑर्बिटल हो डी ऑर्बिटल पार्शि फील्ड का मतलब है डी में एक से नौ तक हो ना एम्प्टी हो ना दस इलेक्ट्रॉन डी में हो अब जरा कापर को देखो जब कापर अटोमिक स्टेट में होता है तो इसके डी में दस है इसका मतलब है इस केस में इसका डी टेन है डी टेन का मतलब वो तो कंप्लीटली फिल्ड है पार्शी तो है ही नहीं इसका मतलब है अटोमिक स्टेट में कापर बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट को ओबे नहीं कर रहा नेक्स्ट चलो सी यू प्लस वन सी यू प्लस वन

अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना एक और इलेक्ट्रॉन निकालने पर अब अब आ गए मतलब मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट को फॉलो नहीं कर रहा हां प्लस टू में जाके ये फॉलो करता है अब एक और भी मेरी बात को जेन में रखना है ये जो तो डी वो जेन में बिठा लो डी फाइव हाफ फील्ड डी टेन कंप्लीटली फिर ये दोनों ये दोनों ये और बात में करता हूं पारसी फील्ड एमपटी कंप्लीट वो और बात करता हूं ये जो फाइव और टेन वाली में बात करता हूं ये मैं और बात करता हूं ये मैं जब मैं कहता हूं तो इसका मेरी मुराद होती है कि इसमें स्टेबल स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन यानी न्यूक्लियस ने इन पांच इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रॉन्गली अटैक किया हुआ है और इसमें जाके सिमिट्री ऑर्डिट ये सिमिट्री होती है ना डी में पांच आगे सिमिट्री आ गई

बाकी थर्टी में से एटीन माइनस करो ट्वेल्व रह गए ट्वेल्व में से पहले दो इसमें आ गए अब दस रह गए दस का मतलब है हर एक में दो दो आते गए ये आपके पास है। अब बेटा जी ये जिंक आ गया अटोमिक स्टेट में जब जिंक अटोमिक स्टेट में आया तो डी में कितने हो गए डी में दस इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड और यानी ये या अब हो गया जी थ्री डी टेन फोर एस टू अच्छा चले ठीक है इसका मतलब है जिंक अटोमिक स्टेट में पार्शी फील्ड डी ऑर्बिटल नहीं रखता चले इसकी ऑक्सीटेशन स्टेट पे आ जाओ वो है जेड एन टू प्लस क्या इसमें आंसर है नहीं जेड एन टू प्लस का मतलब इसमें से दो, दो जब इलेक्ट्रॉन निकाले तो वो यहां से निकालो अब हो गया अब अगेन डी है मतलब है अब भी डी पारी फील्ड नहीं है क्या और कोई जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस टू के अलावा आंसर है नो नो इसका मतलब है जिंक ना अटोमिक स्टेट में ना अपनी सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ एक में यह एग्जिस्ट करता है दोनों केसेस में यह डी ऑर्बिटल पार्स की फील्ड नहीं रखता इसका मतलब है जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट की बेसिक डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता यही काम आपने स्कैंडियम को भी देखा था स्कैंडियम अटोमिक स्टेट में ठीक है लेकिन स्कैंडियम अक्कर करता है थ्री प्लस में और उसमें उसके डी इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो पारसी फील्ड का तो सवाल ही नहीं पैदा हुआ अच्छा ये मैंने समझाते हुए क्रोमियम, और कापर के बारे में कहा, क्रोमियम, थर्ड, क्रोमियम ये वाला जो है क्रोमियम क्रोमियम आपके पास ये, बी कॉपर आपके पास फर्स्ट बी कॉपर के नीचे सिल्वर सिल्वर के नीचे गोल्ड तो कॉपर सिल्वर गोल्ड ये तीनों जो है ये तीनों जो है आप इनको देखेंगे कि ये किस स्टेट में जाकर आ, बेसिक डेफिनेशन को उबे करते हैं बाकी मैंने आपको ज्यादातर इनके अटोमिक स्टेट की बात की है मैंने आपको ये याद करवाने की कोशिश की कि हर एक में नंबर फन पे इलेक्ट्रॉन कितने आपको ये सारे का सारा अजबर होना चाहिए आपके जहन पे नक्श हो जाए स्टूडेंट मैं आगे बढ़ता हूं मैं एक पॉइंट उठाता हूं और ट्रांजिशन एलिमेंट की जनरल है देखो ट्रांजिशन एलिमेंट की पहले जो अभी हम इतनी देर से स्टडी कर रहे हैं दे है और ये बात हो चुकी है। अब दोबारा मैं नहीं करूंगा दे कलर कंपाउंड कलर, कलर फॉर्मेशन भी समझाऊंगा कलर कंपाउंड डी ऑर्बिटल उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी और जब कंपाउंड बनेगा वो डी ट्रांजिशन की वजह से दे ये, ये वैसे खास खास खबरें नहीं होती हेडलाइंस वो बता रहा हूं देश पैरामैग्नेट ये सब बातों का ना इन अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना ज्यादा होगा अगर सारे के सारे पेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे दैट शो द दैग्नेटिक यानी पैरामैग्नेटिज्म टू द अनपेड इलेक्ट्रॉन और डायमैग्नेटिज्म दैट एट्रीब्यूटेड टू द देड इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये तो है एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन जैसे आयरन को देखो एफ प्लस भी होता है थ्री प्लस भी होता है प्रॉपर्टीज आपने बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल्स और उनके कंपाउंड को बतौर कैटलिस्ट देखा आप निकल को देखते को देखते पीडी उसको देखते हैं आप प्लेटिनियम को देखते देखते हैं फाइव को देखते एनआईओ टू को देखते को देखते, MNO2 को देखते यानी ट्रांजिशन मेटल और उनके कंपाउंड्स बहुत सारी जगहों पर बतौर कैटरिस्ट कंप्लेक्स कंपाउंड वन ऑफ दीज आर दीज आर मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन अगले करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ये है भी तो उसका मतलब वो प्रॉपर्टी जिनकी बेस पर आप इनको दूसरों से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं स्टूडेंट ने एक लफ टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट नॉन टिपिकल टिपिकल वो ट्रांजिशन एलिमेंट जो ट्रांजिशन की तमाम प्रॉपर्टीज को फुल्ली ओबे करते ओन करते जो मैंने आपको समझाया ना उसमें उसमें फोर्थ बी से लेकर फोर्थ बी से लेकर फर्स्ट बी तक फोर्थ बी से फर्स्ट बी तक फोर्थ बी आपके पास नहीं ये था ये फोर्थ बी है टाइटेनियम टाइटेनियम से लेकर और आपने जाना है फर्स्ट बी तक कॉपर तक ये बीच में जितने भी ग्रुप्स हैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एथ के तीनों ये और फर्स्ट बी ये सारे के सारे यानी ये जो एलिमेंट्स है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज है इनको भी करते असल काम तो ये आओ ना नॉन टिपिकल नॉन टिपिकल में एक तो बार शामिल कर लो ना सेकंड बी थर्ड बी स्काई स्काईला और एक आप सेकंड बी को शामिल करो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिंक है कैडमियम है मरकरी है अब टोटल मैंने आपसे कहा था टोटल 65 एलिमेंट्स है ट्रांजिशन एलिमेंट 65 उन 65 में से इन सिक्स को इन सिक्स को हम कहते हैं दीज आर नॉन टिपिकल और जो बाकी फिफ्टी बचेंगे ना उनको हम कहते हैं टिपिकल ये जेन में रख रहे नॉन टिपिकल है मतलब

और इस मिस डी ऑर्बिटल होता है ये का सवाल होता एक तो मतलब है ये ये मैंने जिंक के होगा याची होगा या इसकी कॉमनिंग ऑक्सीडेशन एच टू इनमें इनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फेल्ड होता है स्टूडेंट दूसरी बार कलर कंपाउंड फॉर्मेशन चूम इनमें डी ऑर्बिटल ही कंप्लीट होता है इन में डीडी ट्रांजिशन ही नहीं होती ये कोई भी कंपाउंड नहीं बनाता तीसरी बात पैरा फिर, देश होता अनपेड है, है जब पेड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो डाया होगा पैरा नहीं होगा और उसके बाद क्या होगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है प्लस टू और ये ज्यादातर प्लस थ्री दे पहली चारों प्रॉपर्टीज ये शो ही नहीं करते तो फिर भाई नहीं शो करते तो फिर आपने इनको ट्रांजिशन एलिमेंट में रखा क्यों है हाँ, ये मजबूरी है ये मजबूरी है और वो उसकी वजह ये है कि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं तौर पे कंप्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन ये वाला ग्रुप ये वाला दे फॉर्म द फॉर्म्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन और भी कुछ प्रॉपर्टीज सीधा सीधा है जो ट्रांजिशन एलिमेंट से ये शो करते है। बाज कहते हैं इनको नॉन टिपिकल तो कह दिया लोग कहते हैं कि ये वाला जो सेकंड बी है ना ये ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं इनकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज नॉर्मल एलिमेंट्स वो जो सब ग्रुप उसके एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर इस लेक्चर में मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स उसकी बुनियादी आप 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 अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो और अगर आप यह चाहते हो इसको लाइक कर दीजिएगा जैसे आपकी मर्जी और अगर दूसरे लोगों तक भी पहुंचाना चाहते हो मैं आप तक पहुंचाता हूं तो और आप इस अमल को दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा हम हर एक का फायदा करना चाहते हैं हम केमिस्ट्री सीखने के अमल को आसान करना चाहते हैं अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो अस्सलामुअलैकुम वरहमत